आज तो मिठाई विठाई खानी चाहिए, चाय वाय पीनी चाहिए, आज का दिन बड़ा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। वो टेंडर भिजवा दिया था मैंने, पास हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई, अभी आज सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, टेबल भी अच्छी लग रही है आज। लेकिन अब बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है। हाँ मुझ पर आया था तुम्हारे ताया की वजह से। लेकिन आज ये भी तो देखे ना, अल्लाह ने कितना नवाजा है आपको। अल्लाह की रहमत के साथ साथ दिन रात मेहनत भी तो है मेरी। मुझे लगता है कि शजी ताया की गाड़ी वापस कर देनी चाहिए। ये फरमाइश तुम्हारी बीवी की है? नितिन ने तो आज तक इस हवाले से मुझसे बात भी नहीं की। हाँ तो हमने भी तो उसे भाव की जगह बेटी वाला मान दिया हमेशा, है ना। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ शजी ताया को रक्षा से उतरते हुए देखकर। हाँ अपनी किस्मत है भाई। वो चाय का कह देना जरा मेरे लिए, अच्छी सी चाय बनवा। ये फाइल देख। हाँ हाँ मैं देख देख लू। रिक्शा से उतर रहा था। पता चलेगा। इतनी सी बात को क्यों सर पे सवार कर रही हो मानो? कितनी सी बात नहीं है बेटो आपा, उसने हॉर्न नहीं बजाया था बल्कि मेरे बाबा की बेबसी का मजाक उड़ाया था। अगर बाबा के दो बेटे होते ना तो मैं देखती किसी की कैसे हिम्मत होती। मैं कान खींचूंगी उसके, तुम यूनिवर्सिटी जाओ। कोई जरूरत नहीं किसी को कुछ भी कहने की। ये ले अब्बा चाय। हाँ लाओ भाई। किधर जा रहे? यूनिवर्सिटी। क्या हुआ, सब खैरियत? कुछ नहीं। इसे क्या हुआ? ओह इसको तो रहने दो। तुसी मैनू ए दसो शुजाए मैं साहब कि जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए वो कहां पे लगा दे? इसकी बात नहीं कर सकती हो? सुनो ये गाड़ी की वजह से अपसेट हो रही है। ओह अब्बा जी ये भाई गाड़ी नहीं बेची आपने उन लोगों को, अन्ने हाथ डांग दे दिए। रात से पी पा पू पू कर करके उसने हमारे सर में दर्द कर दिया है, दिमाग पुठा हो गया हमारा। चल अब हॉर्न भी ना बजाएं। अच्छा छोड़े उसको, नाश्ता लगा दिया है, नाश्ता कर। दामिया देखो क्या है। आजो यार एसवीटी डिनर अपनी नई गाड़ी की। सॉरी मुझे प्रोफेसर हमाद से काम है। इसे क्या हुआ? इसे जो भी हुआ है ना वो तुम दोनों की समझ से बाहर है। यकीनन ये तीरी भी तूने ही लगाई है। यार मेरे अब्बा की कोई माचिस बनाने की फैक्ट्री है क्या? मुझे लगता है रोकर आई है वो। अच्छी बात है, जो लोग दूसरों को रुलाते हैं ना कभी कभी उन्हें खुद भी रो लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। चला यार पूछ के आते हैं। लिखते क्या हुआ? तो यानी मैं ट्रीट कैंसिल समझूं? ट्रीट तो हम तेरी हड्डियां तोड़ के भी निकाल देंगे। पहले आपकी दोस्त से तो पूछ के उसका दिल किसने तोड़ा? किसने तोड़ा है दिल हुजूर का, टंग टंग टंग, किसने ठुकराया मेरा प्यार, हाय। लगता है कोई बम तुम्हारे घर से गिरा है। हम अमन हाउस वाले ना बड़े अमन पसंद लोग हैं, यकीन नहीं आता तो मानुष हो जैसे ही पूछ लो। अल्लाह की कसम बहुत ठंडी कॉमेडी करता था। अभी चल ना यार पूछ के आते हैं। आज तो कुछ भी बोल ले, भाई बहुत खुश है आज, 100 खून माफ है तो जर बबली को। क्या बात है, चल आप पूछ के आएंगे। आ जा